अरे ठगराल, इस नौजवान से तो मिले हो तुम। ये तुम्हारे मैदान का खिलाड़ी है अरुण वर्मा। अरुण वर्मा, हेलो, नाम तो सुना हुआ है, लगता है कि आपको कहीं देखा भी है। जिस वकील को आपने डॉक्टर आशा माथुर का मुकदमा लड़ते देखा था वो मैं था। ओ आई सी, काफी इंटरेस्टिंग केस था। दरअसल बात यह है कि इतने लोगों से मिलना जुलना रहता है कि सारे चेहरे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, मुझे तो सब याद है ठकराल साहब। हाँ भाई, ठकराल द ग्रेट को कौन भूल सकता है। क्या, कम से कम मैं तो नहीं भूल सकता। आपकी मोहब्बत है जो ऐसा कह रहे हैं। खन्ना साहब, आपने तो चाल चली ही नहीं। क्या चाल चलाऊं ठकराल साहब, लगता है दूसरी बाजी भी आप ही जीत गए। माफ कीजिए खन्ना साहब, ठकराल साहब की पोजीशन मजबूत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। ये बात है, लीजिए मैं हट जाता हूँ, आप ही आ जाइए। इजाजत है। जरूर लीजिए। दो वकीलों के दिमाग टकरा रहे हैं, देखें इस खेल में कौन क्या चाल चलता है। अरे नहीं गरेवाल साहब, ये खेल बराबर का नहीं। मिस्टर अरुण वर्मा तो अभी अभी आए हैं और बाजी तो पहले से ही मेरे कब्जे में है। इन बेचारों के पास चाल चलने की जगह ही कहां है। ठहराल साहब, जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने खाना खाली छोड़ दिया है और वही वो मार खाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी चाल चली। मगर जो खिलाड़ी अच्छी पोजीशन में हो वो किसी एक खाने की हिफाजत तो किसी वक्त भी कर सकता है। अरुण वर्मा साहब, जरूर कर सकता है, लेकिन उस खाने को बचाने के लिए उसे अपने थोड़ी सी ताकत दूसरी तरफ लानी पड़ती है, पर इसी वजह से वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, और वह जब कमजोर हो जाता है तो उसे हराया जा सकता है। देखिए, इस वजीर को बचाने के लिए आपने अपना बादशाह खुला छोड़ दिया, ये चेक एंड मेट। ठगराल साहब, ये बाजी तो आप हार गए। कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी बाजी थोड़े ही है। हाँ ये तो है। ठगराल साहब, अब ज्यादा यकीन और लापरवाही से काम मत लीजिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स। बाय। आजकल के नौजवानों को कमजोर ना समझो ठगराल।